हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, फ्राइडे है और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और आपको तो पता है कि वीकेंड पे मैं आप लोगों के साथ अपनी गार्डनिंग अपडेट्स शेयर करती हूँ। तो अब वक्त है ब्रोकली को हार्वेस्ट करने का और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और अब इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो मैंने जो ब्रोकली थी उसको सीज़न के स्टार्ट में ग्रो बैग्स में उगाया था और उसे हम साथ साथ हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा मैंने जो काफ़ी सारे प्लांट्स थे वो इस क्यारी में लगा दिए थे और इसमें से भी काफ़ी प्लांट्स मैंने जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी हार्वेस्ट किए। और अब चूँकि ये सब रेडी हो चुके हैं और उसमें थोड़ी स्प्राउटिंग भी मुझे फ़ील हो रही थी, तो आज हम इन सारे जो ब्रोकली के फ्लावर्स हैं इनको एक साथ हार्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे प्रिजर्व कर लेंगे बाकी सीज़न के लिए। वैसे तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं अपनी बालकनी में ग्रो कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको काफ़ी रिच क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एक प्रॉपर साइज़ या शेप में आ सकें। तो मेरे पास ये छोटी क्यारी है, तो इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं जिनको ज़मीन की ज़रूरत होती है या वो वेजिटेबल्स जिनकी मुझे ज़्यादा नीड होती है, उन्हें मैं इस क्यारी में ग्रो करती हूँ। ज़्यादा हार्वेस्ट थोड़ी जगह से पाने के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी टिप है कि आप जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको सही लोकेशन उनके लिए चूज़ कीजिए। यानी वो वेजिटेबल्स जो छोटे ग्रो बैग्स में हो सकती हैं उन्हें उसमें लगाइए, जिनको कम सॉइल चाहिए होती है या थोड़ी शैलो उसमें भी ग्रो कर सकती हैं जैसे हमारी लीफी वेजिटेबल्स, उनको आप इस तरह की जगह दीजिए जिनकी रूट्स डीप होती हैं या उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टुकड़ा भी ज़मीन का है तो उन्हें ज़मीन में ही जगह दीजिए। अच्छे बीज, सन, प्रॉपर सॉयल और फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये भी एक बहुत ही ज़रूरी टिप है। अगर उनकी रूट्स को प्रॉपरली स्प्रेड होने का टाइम नहीं मिलेगा या स्पेस नहीं मिलेगी तो भी आपको मनचाहा रिज़ल्ट कभी नहीं मिल सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपकी वेजिटेबल्स की नीड क्या है, उस हिसाब से ही उनके लिए पॉट साइज़ या क्यारी अगर आप चूज़ करें तो वो करिए। और हाँ, आउटर एजेस को बिल्कुल मत भूलिए, आउटर एजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मेरे इस वक्त आपको पीछे ये टमाटर के जो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये पूरी सर्दियाँ इस सब्ज़ी के पीछे छुपे रहे हैं। ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अब इनका सीज़न आया है तो ये वाले प्लांट्स मेरे ऑलरेडी रेडी हैं, जबकि दूसरी पनीरी अभी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ऐसे में मुझे जो है, आप देख सकते हैं तकरीबन सारा साल ही मैं अपने पास टमाटर की हार्वेस्ट लेती रहती हूँ। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप कहीं ना कहीं प्लांट्स को ग्रो किए रखते हैं, कभी शेड में कभी सनलाइट में, तो उसकी वजह से देखिए आपको कंटिन्यूसली उसकी जो फ्रूटिंग है उनसे मिलती ही रहती है। बस थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप भी इसी तरह से अबंडेंस ऑफ हार्वेस्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।